Assalamualaikum, वेलकम टू नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला दाल खिचड़ी की रेसिपी। शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप राइस और आधा कप लाल मसूर की दाल, जिसे हमने अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगा कर रखा है। एक कुकर में हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और हमने यहाँ पर भिगोए हुए दाल और चावल ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे दाल चावल डाल दिए हैं। इसे हम घी में 1 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेना है। दाल खिचड़ी में हमें पानी थोड़ा ज्यादा ही डालना है, ताकि हमारी खिचड़ी जो है वो अच्छी गीली के लिए सॉफ्ट बने और दाल चावल बिल्कुल अच्छे से गल जाए। यहाँ पर हमने 3.25 गिलास पानी यूज किया है। यहाँ पर मैंने पूरा पानी ऐड कर दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन ढक कर 1 सीटी लेकर इसे पका लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, बट घी डालने से उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही हम 1 टीस्पून अखा जीरा ऐड कर देंगे, 6 से 7 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम 1 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है, साथ ही 1 चुटकी हींग भी ऐड कर देंगे और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आधे से 1 मिनट तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ हमें आधे से 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके ऐड कर देंगे। इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और धीमी आंच पर हमें टमाटर को पकने देना है। ढक्कन ढक कर हम टमाटर को कुछ देर पकने देंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो बनकर तैयार है। अब इसमें हम हमारी पकी हुई खिचड़ी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी गीली गीली खिचड़ी बनी है। खिचड़ी को हमें मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारा जो मसाला है वो खिचड़ी में अच्छे से उसका सारा फ्लेवर आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और 1/2 ग्लास पानी डालकर हम 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। एंड में फ्रेश हरे धनिये से हम इसे गार्निश कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी दाल खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके का होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। ये बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान है। इसे आप घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। एंड में देसी घी से हम इसे गार्निश करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।